हाँ भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया? तो गाइस, अभी मैं आपका स्वागत करता हूँ अलवर में एक बहुत बेहतरीन चीज़ के लिए। इससे दिल्ली का ब्रांड, और दिल्ली के ब्रांड में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ क्या है पीछे। क्या दिख रहा है पीछे? दिख गया मिस्टर वीर जी, एक्चुअल में वीर जी। उनके चाप बहुत ज़्यादा फेमस है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, लेकिन जो इनका मलाई चाप है ड्राई के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, दिल्ली में बिकता है पंजाबी चाप भी। तो आज अपन मलाई चाप भी खाएंगे, और सबसे पहले आपको बता देता हूँ लोकेशन क्या है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज को लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है वीर जी मलाई चाप वाला। देखो चाप, देखो आप, सनी लियोनी चाप, बॉबी डॉल चाप, बेबी डॉल सॉरी, मियां खलीफा, दाल मखनी और स्पेशल ग्रेवी आइटम्स है। ये बेसिकली इसका लुक है, फर्स्ट लुक, जो कि बहुत अच्छा आता है। लोकेशन है, ये है वंडर मोड। वो जो रास्ता आ रहा है, वो आ रहा है बस स्टैंड से, जो कि लगभग 700 से 800 मीटर है, और रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो चलिए गाइज, अंदर चलते हैं और अपन देखते हैं मलाई चाप कैसे बनते हैं। तो गाइज, ये इनका मेन्यू, अपन ये मलाई चाप है 100 रुपीज़ का, और साथ में पंजाबी चाप भी 100। जो दो बहुत नाम क्या है, योगेश जी बनाने वाले मलाई चाप। तो गाइज, सबसे पहले जो चाप है उसको सिगड़ी के अंदर सेका जा रहा है। कितने टाइम तक सेकेंगे अपन इसे? 5 मिनट। ओके, चलो 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो गाइज, अब ये पूरा सीख चुका है, और हथियार ऐसे लग रहा है कि जैसे कि चिकन काट रहे हो, पर यहाँ बता दूँ पूरा वेज का काम है, और ये एक एक करके अच्छी तरीके से कट कर रहे हैं। ओके ओके, इसके बाद इसके हांडी में रखा जा रहा है, एंड उसके बाद ये क्या मिला रहे हो? चाट मसाला। ओके, ये आपका खुद का स्पेशल होता है, जो आपने खुद ने बनाया होता है? और ये क्या है? मक्खन। ओके, ये मक्खन कौन सा होता है भैया? अमूल का। ओके, अच्छे से मिक्स कर दिया। देन ये कौन सी क्रीम है? अमूल, अमूल की क्रीम है। ओके, क्रीम भी मिला रहे हो आप। और वापस से क्रीम मिलाइए, ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए, बेसिकली ये चाह रहे हैं। फिर घी और मिलाया, पानी आ रहा हूँ गाइस आपके, आ रहा है दोस्तों पानी, क्या करें, चीज ही कुछ ऐसी है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर इसको गर्म किया जा रहा है इंडक्शन पे। अब दे दीजिए, ठीक है। तो गाइस, अब तैयार है, अब इसको अपन टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है ये हमारी मलाई चाप। ये वैसे अपने कितना टाइम हो गया हो भैया इसको वीर जी को खुले हुए दिल्ली में? 9 साल हो गए। 9 साल? तो ये 140 ब्रांच है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ से अपन सर्व कर लेते हैं, थैंक यू। तो इसके साथ ये हरी चटनी है, किसकी होती है भैया? दही और पुदीना। अच्छा, धनिया। ओके ओके, और ये प्याज। ठीक, अब हम खाने वाले हैं वीर जी का वेज मटर चिकन। नाम को सुन के ऐसा लग रहा हो कि चिकन खाने वाले हो सर, आप तो वेजिटेरियन हो। नाम में ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है वेज बटर चिकन, मतलब वेजिटेरियन बटर चिकन। इट्स अ नेम, पर कम्प्लीटली वेजिटेरियन, पूरा शाकाहारी है। तो आप यहाँ पे कुछ भी नॉन वेज नहीं है, लेकिन नाम कुछ ऐसा इंडिकेट करता है कि ये वेज बटर हो चिकन है, ठीक है। वो चलिए आज देखते हैं मेकिंग कैसे, क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या बनता है, देखते हैं। क्या कह रहे हो भैया ये पहले? मसाला। क्या क्या होता है इसके अंदर? खड़ा मसाला, दालचीनी। अच्छा, बोटी इलायची। और ये क्या कह रहा है आपने? ये टमाटर ग्रेवी। टमाटर की ग्रेवी, हाँ जी। ओके ओके, हाँ जी, हम बना रहे हैं बटर चिकन। बटर चिकन बना रहे हो आप? बटर चिकन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवन उस्ताद। जीवन उस्ताद कहाँ से हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से अलवर पहुँच गए आज, कैसा लगा अलवर? बढ़िया जी, बढ़िया। बढ़िया। ओके, अब क्या 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 कह रहा है आपने इसमें, ये बता दो। मैंने इसमें धनिया डाला। हाँ, और अदरक डाला। अच्छा, और चाप का चाप चाप डाली। ये क्या है, चाप है ये? हल्दी, हल्दी। अच्छा, और ये अब इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको मिक्सर कर दिया। अच्छा, डाला हमने चिकन मसाला। अच्छा, चिकन मसाला कह रहे हो? ओके, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, ओके। हल्का सा नमक डाला। नमक डाल दिया, ओके। और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला, ओके। अमूल क्रीम। अमूल की क्रीम, ओके। इसमें हमने हल्का सा अमूल का मक्खन दिया। अमूल का मक्खन गिर रहे हो आप इसमें? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, हमने ग्रेट कर दिया। अच्छा, थोड़ा हम बढ़िया करके मंगे वहाँ से वो कर लेते हैं। हाँ, इसको बैस बटर चिकन इसलिए रखा गया है कि इसमें तो
चिकन होता है उसकी जगह सोयाबीन चाट होती है। अच्छा, लेकिन स्वाद जो है बिल्कुल चिकन के जैसा होता है, बिल्कुल बटर चिकन के जैसा होता है। जो ग्रेवी एक तरीके से चिकन की तरह है। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ठीक है जी। ऊपर से रोगन। अच्छा, ग्रेवी ग्रेवी तरी बोलते हैं क्या? ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है और ये हाफ है, कितने का है? हाफ डेढ़ सौ रुपए का। अब इसके ऊपर धनिया। अच्छा, और फिर गार्लिक मार के हल्का ऊपर से। गार्लिक ये कैसी रखी हुई काट के आपने? अदरक है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, अदरक ये यही की अदरक है कहीं और से मंगाई है? यही की अदरक है। अच्छा, ये क्रीम, अमूल क्रीम डाल दी और ये होगी डिश तैयार। अच्छा, पैक होने को तैयार है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं वेज मटन। ठीक है, वेज मटन टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये कैसा होता है। गाइस, इसको तो देख के मुझे बहुत जोर से पानी आ रहा है, बहुत जोर से बता रहा हूँ। आगे देखते हैं इसकी। वाओ गाइस, हर चीज में ना मतलब सोया चाप है, हर चीज में सोया चाप है और उसको अलग अलग तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को मटन बना रहे हैं, किसी को चिकन पॉपकॉर्न बना रहे हैं, तो हर चीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और मुझे ये सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप सीरियसली देखना चाहते हो कि आपके मटन के साथ मिलता है नहीं, तो खा के ज़रूर देखिएगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करना और बताना कि कैसा है यहाँ का रिव्यूज़। आप आओ यहाँ पर ट्राई करो एंड देन कमेंट्स करो। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम, सत श्री अकाल।